कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी कल्पना भी हमने कभी नहीं की होती, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। लोग कहते हैं कि ईश्वर जो करता है सब अच्छा करता है, लेकिन आज जो हुआ ईश्वर ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आज जौनपुर भी खून के आंसू रो रहा है। रोए भी क्यों न, उसका चहेता और पूरे जौनपुर में अपनी अलग पहचान रखने वाला उसका लाल जो अपने हाथ छुड़ाकर चला गया। उनके चाहने वाले दोस्त शुभचिंतक तो यही कह रहे थे कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। यह दुखों का पहाड़ नहीं बल्कि उससे भी कुछ विशाल हो तो उतना बड़ा दुख है जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। आप जिस हंसते हुए चेहरे को देख रहे हैं वह हमें हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। विशाल अग्रहरी रुद्राक्ष, इनके असामयिक निधन का समाचार जिसने भी सुना उसे यकीन नहीं हुआ। हर धार्मिक प्रयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले रुद्राक्ष की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। कम उम्र में ही वह जौनपुर के लिए अमर हो गए। इस बार भी वह बाबा काल भैरव व मार्कंडे महादेव के दर्शन करने के लिए वाराणसी गए थे, वापस लौटते समय सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। विशाल अग्रहरी रुद्राक्ष की शादी बीते 7 जुलाई 2019 को हुई थी। अभी पत्नी के हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि वह बड़े बेआबरू होकर सबसे हाथ छुड़ाकर इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी पत्नी यह दुख कैसे सहन कर रही हैं यह तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्हें गहरा सदमा लगा है, कई बार बेहोश हो गई। परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल है। जो भी यह असहनीय खबर सुन रहा है उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जा रही हैं। लोग एक बारगी तो विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसे बार बार कन्फर्म करने के लिए कर रहे हैं कि वही विशाल जो अभी कुछ दिनों पहले बोलबम कांवरियाँ के जुलूस में ढोल लेकर आगे आगे चल रहे थे। फेसबुक पर उन्होंने वाराणसी जाने का जिक्र करते हुए लिखा था, मार्कंडे महादेव का दर्शन करने जाते हुए हर हर महादेव। यही उनकी अंतिम पोस्ट है। कुछ घंटे तक इस पोस्ट पर लोगों ने हर हर महादेव जय हो के कमेंट पोस्ट किए, लेकिन कुछ देर बाद वह दुखद समाचार इस पर पोस्ट हुआ तो इसके बाद से फेसबुक पर सिर्फ विशाल अग्रहरी रुद्राक्ष के चाहने वालों ने उनकी फ़ोटो को शेयर करते हुए विश्वास न करने वाली खबर के साथ अपनी संवेदना प्रकट की। पूरा फेसबुक इस समय विशाल के असामयिक निधन से व्यथित है। सभी लोग यही लिख रहे हैं कि यकीनन नहीं हो रहा कि हम सबका बीच हमारा भाई विशाल इस दुनिया को छोड़ गया। गौरतलब हो कि नगर कोतवाली क्षेत्र के सब्जी मंडी निवासी विशाल अग्रहरी रुद्राक्ष प्रिंस अग्रहरी विशाल सहित आधा दर्जन से अधिक युवक जौनपुर से बाइक द्वारा वाराणसी मार्कंडे महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। सभी दोस्त मार्कंडे महादेव दर्शन करने के बाद काल भैरव मंदिर में दर्शन करने आए, फिर शाम को जौनपुर वापस लौट रहे थे। वाराणसी जौनपुर मार्ग पर जब वे काजी साराय के पास पहुँचे थे कि उसी समय आगे मोड़ होने के चलते डिवाइडर से टकरा गए। घटना के बाद पल्सर बाइक पर बैठे विशाल अग्रहरी रुद्राक्ष प्रिंस अग्रहरी और विशाल अग्रहरी गिर गए जिससे सभी लोग घायल हो गए, जिसमें विशाल अग्रहरी रुद्राक्ष को गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर दौड़ पड़े और सभी को सहमलपुर स्थित एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां विशाल अग्रहरी रुद्राक्ष को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जैसे ही यह खबर परिजनों को मिली तो उनके होश उड़ गए। एक बार उन्हें विश्वास नहीं हुआ। बहरहाल युवाओं के हृदय पर राज करने वाले मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति
का इस तरह से जाना सभी को खल रहा है। विशाल अग्रहरी तीन भाई और दो बहनों में सबसे छोटे थे। इसी माह 7 जुलाई को विशाल की शादी भी हुई थी। नया सवेरा और जौनपुर लाइव की टीम हमेशा विशाल अग्रहरी रुद्राक्ष को याद रखेगी। अश्रुपूरित श्रद्धांजलि।